अनंतधर्मणस्तत्त्वं पश्यत् पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशतां नमोऽरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोये सौ पंचपर्मश्री भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज आचार्य श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की जय हो। समय विश्व धर्म की जय हो। जय ब्रह्मचर्या श्रमणी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरु महाराज की। आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद सौमेन्यु संपूर्ण विश्व को तीर्थंकर दिनेन्द्र की सत्यार्थ देशना का भूतार्थ बोध प्रदान किया है। संपूर्ण जगत जहां कर्तव्य दृष्टि पर जी रहा था, संपूर्ण जगत क्लेश से भरा हुआ है, उसको महामंत्र किसी ने दिया है, वे आचार्य कुंद कुंद स्वामी हुए, जिनके समयसार के ऊपर भगवत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका का सृजन किया, जिसमें बहुत सुंदर सूत्र है आत्मस्वभावम प्रभाव भिन्नम। इस सूत्र का यदि बोध हो जाता है, संसार का क्लेश अभी समाप्त होता है। जितना क्लेश है, जितनी अशांति है, उस सब का सब श्रेय किसी को जाता है तो कर्तृत्व बुद्धि पर है। मैं दूसरे का हूँ, दूसरा मेरा है, मैं दूसरे का था, दूसरा मेरा था, मैं दूसरे का होऊंगा, दूसरा मेरा होगा। एक क्षण को चिंतन करो, स्वयं के लिए कितना समय दिया है, एक समय को चिंतन करो, स्वयं के लिए कितना समय दिया है। जो स्वयं को समय देना नहीं जानता, वो कभी स्वयंभू नहीं हो सकता है। स्वयंभू वही होता है जो स्वयं को समय देता है। कभी इस जीव ने कैलाश भैया, कभी इस जीव ने स्वयं की आत्मा पर करुणा करने का भाव नहीं किया।
जो स्वयं पर करुणा करेगा वह भगवान महावीर बनेगा। करुणा करेगा वो सनातन श्रवण संस्कृति में तीर्थंकरत्व को प्राप्त करेगा। पर करुणा करेगा मित्र वही कुंद कुंद शांति सागर जैसा योगी बनेगा। जिसको स्वयं करुणा नहीं है, स्वयं पर करुणा नहीं है, वह कभी जिन सागर की प्रभावना नहीं कर सकेगा। कर्तत्व बुद्धि लेकर के जो जिएगा वो कसाय से रिक्त नहीं हो सकेगा। वो कसाय से रिक्त नहीं होगा वो प्रभु कैसे बन सकता है। इसलिए आत्मस्वभावम प्रभाव भिन्नम, आत्मस्वभावम प्रभाव भिन्नम। मित्र समझिए, आत्मा का जो स्वभाव है वो प्रभाव से भिन्न है। आत्मा का स्वभाव है प्रभावों से भिन्न है। अब निहारिए मेरी तरफ नहीं, आचार्य महाराज की तरफ नहीं, अपनी तरफ देखो। चांदीवाल जी है मित्र, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कब होगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कब होगा। जिस शरीर में आप निवास रहे हो है ज्ञानी, उस शरीर का कौन सा अंश ऐसा है जो चेतन हो जाएगा। मैं आपके घर की बात नहीं कर रहा हूं, आपके दुकान मकान की बात नहीं कर रहा हूं, आपके भवन की बात नहीं कर रहा हूं, किसी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपके देह की बात कर रहा हूं। जिस देह में आप निवास कर रहे हो इसमें आपको रहते इतना दीर्घ समय हो चुका है, उस देह का कौन सा रोमखंड है जिसे आपने चेतन बना लिया। बन गया, देखो जैसा बोल रहे हैं जो सबको खड़ा करता कटघरे में आज बेचारा खड़ा हुआ है। हे मित्र, जगत पर तुमने न्याय किया है पर निज के ऊपर अन्याय क्यों। सब पर न्याय किया आपने, निज पर अन्याय कैसा। इस शरीर का एक रोमखंड भी कितनी कल्प काल व्यतीत हो जाए, सदियां बीत जाए, लेकिन कभी आपके शरीर का एक रोम भी चैतन्य नहीं हो सकता। तो क्या चैतन्य जड़ हो गया। जो सामर्थ्य चैतन्य में नहीं है किसी जड़ को चैतन्य करने की, तो वो सामर्थ्य जैसा जड़ में भी नहीं है जड़ चैतन्य को जड़ करने की। ये दृष्टि का विषय है। लोक की व्यवस्था जैसी चल रही हो चलेगी, दृष्टि का विषय है। मित्र बैठने के पहले इतना निर्णय कर लो, इतना निर्णय कर लो, जो सुन रहा हूं अंतिम श्वास के काल में यही सुनाई पड़े, अन्य कुछ भी सुनाई ना पड़े। आत्मस्वभावम प्रभाव भिन्नम। हे नाथ, यदि मैं पंच परमेश्वरी का भक्त हूं, हे प्रभु मैं जिन शासन में जन्मा हूं, मैं कुंद कुंद आदि आचार्यों की परंपरा में जिया हूं, हे मित्र तो यूं कहना प्रभु जगत में लिप्त होना आपने सिखाया, जगत से विरक्त होना आपने सिखाया। सभी शांति सागर आचार्य महाराज के आचार परुणा समिति कुंतुगिरी से आए भव्य श्रावक श्रावका है। मित्र आचार्य महाराज चरणों में प्रणति, गर्धराचार्य के चरणों में प्रणति,
लेकिन संदेश यह है आपके लिए, भक्ति में कमी करना नहीं, भक्ति में कमी करना नहीं और आसक्त कभी होना नहीं, भक्ति में कमी करना नहीं, आसक्त कभी होना नहीं। व्रत होकर के दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक आचार्य महाराज ने विहार किया और जितने आचार्य शांति सागर महाराज को मानते हैं उन सभी श्रमण श्रमणियों से कहना है, एक स्थान पर बैठ करके जैन शासन का उद्योतन नहीं हो सकता है। जैसे शांति सागर महाराज ने विहार किया है ऐसे दीर्घ विहार करना पड़ेगा तब जैन शासन की रक्षा हो सकेगी। यदि उत्तर भारत विहार नहीं होता तो एक शब्द प्रारंभ हो चुका था, जैनी निर्गुरु, एक शब्द प्रारंभ हो चुका था जैनी निर्गुरु, मतलब जैनियों का गुरु दिखाई नहीं देते। तो उस समय दक्षिण भारत में भगवान शांतिनाथ स्वामी से लेकर के आज तक विमल भाई भारत की भूमि पर दिगंबर मुद्रा का अभाव नहीं हुआ। भगवान शांतिनाथ से लेकर के आज तक विरह काल नहीं आया कि जिसमें कोई मुनि न बचा हो हमारे देश में, लेकिन स्थायी स्थान पर थे। समय ऐसा था, विचरण नहीं हो रहा था। उस द्वार को खोला जाए शांति सागर महाराज ने कि दक्षिण से उत्तर की ओर ये अंदर की वीरता चाहिए, विहार करने के लिए शक्ति चाहिए, वो व्यवस्थाओं से शून्यता का विचार कर पाएगा वही जिन शासन में विहार कर पाएगा। निर्भीकता नहीं है। सूर्य का तात्पर्य किसी को तापमान देना नहीं है। आकाश में उगता सूर्य मूल में गर्म नहीं है। चांदलीवाल जी, गुम्मटसार कर्म कांड में आतप नाम कर्म का व्याख्यान लिखा हुआ है। सूर्य जो आपको दिख रहा है इतना गर्म सूर्य है ही नहीं। सूर्य की रश्मियां गर्म हैं, किरणें गर्म हैं, सूर्य मूल में ठंडा है। भूल नहीं कर लेना, सूर्य मूल में शीतल है, ठंडा है, किरणें गर्म है। इसलिए जैन दर्शन में आचार्य परमेष्ठी को सूर्य कहा जाता है, सूर्य कहा जाता है। बोले कैसा, जैसे किरणें उसकी उष्ण है पर मूल में ठंडा है। यदि सूर्य उष्ण नहीं होगा तो तुमको खाने को रोटी नहीं मिलेगी। जिनसन जी, भैया सूर्य उष्ण नहीं होगा खाने को रोटी नहीं मिलेगी किसी को भी। साधु संतों की तपस्या समाप्त हो जाएगी, बिना आहार के जियोगे कैसे आप। दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के किसी भी क्षेत्र के एक समझदार किसान से पूछना, गर्मी से तुमने हाय हाय किया, वो कहीं ये निदान बंद कर लिया कि सूर्य को ठंडा हो जाना चाहिए, उसी किरणों को पूरे विश्व का नाश हो जाएगा। सूर्य की किरणें ठंडी हो गई तो विश्व का नाश हो जाएगा और अग्नि का नाश हो गया तुम जियोगे कैसे। जितने टेस्टी गणाए मित्र, जब भी तुमको दिगंबर मुनिराज मिल जाए हाथ जोड़ के नमोस्तु निवेदित कर लेना। बोले क्यों, जब तक सीखी सिखाई रोटियां मिल रही हैं तब तक मुनियों को नमस्कार करते रहना। जिस दिन रोटी सीखी ना मिले उस दिन मुनियों को नमस्कार करना बंद कर देना। भारत की भूमि पर जब तक अग्नि का वास है तब तक वीतरागी दिगंबर मुनि का वास है। जिस दिन अग्नि का लोप होगा उस दिन जैन मुनि का भी लोप हो जाएगा।
अब कोई यूं के कैसे खोजू भाव लिंगी मित्र, त्रिलोक पंडित्य ग्रंथ में जाके अध्ययन कर लेना, त्रिलोक सार में देख लेना। जब तक अग्नि का वास है तब तक इस धरती पर दिगमृत्यु का वास है, और जब से अग्नि अंबर है, कब से है? जब से अग्नि अंबर है तब से ये दिगंबर है, और जब तक रहेगा अग्नि अंबर तब तक रहेगा धर्म दिगंबर। इसका कोई नाश नहीं कर सकता। क्या मेघों ने सूर्य को नहीं ढका? भैया बिमल जी, क्या मेघों ने सूर्य को नहीं ढका? क्या बादलों ने कभी सूर्य को नहीं ढका? हे मेघ, तुम सूर्य को ढक सकते हो लेकिन आदित्य का नाश नहीं कर सकते हो। ऐसे ही समय समय पर ऐसे काल आए जिसने दिगंबर को ढकने की कोशिश की पर दिगंबर का नाश नहीं कर पाए। आपकी भाषा में कहूं तो आज पाटिल जी, अभी कौन से भैया बोल रहे थे? कौन? इनका हिंदी में नाम नहीं है, मराठी में नाम नहीं है, मैं जान के बोल रहा हूं। पाटिल जी आपका नाम क्या है? एक सज्जन मेरी सभा में आए रायपुर में, देवगुणा जी सुनो ना ज्ञानी, एक सज्जन आए सभा में, वो विदेशी बन के आए थे। जब विदेशी बन के यूं आए मेरे पास, मैंने कहा चिंता मत कर, तुझे स्वदेशी बना के ही भेजूंगा घर। आप समझ गए होंगे, बहुत उससे आए थे गर्व के साथ। मैंने कहा मित्र, ये आंगल भाषा का प्रयोग तुमने सीखा है पर तुम्हारे दादा की भाषा आंगल नहीं थी, भारत की थी। अपने आप को बाहर का कहने के पहले घर का कहना सीखो। देवगुणा जी विश्वास मान भाई, ये तुम देवगुणा लिख करके उत्तर भारत में चिट्ठी भेजते हो, अलग प्रभाव पड़ेगा, लोगों को शिव गुणा की याद आ जाएगी। यदि आपने देव गुणा करके उत्तर भारत में अपना पत्र भेजा तो लोगों को किसकी याद आएगी? शिव गुणा की। और ये क्या नाम था आचार्य महाराज का? सात गुणा की याद आ जाएगी। हे मित्र, और आपने क्या बोले टरक जी? डी ए पाटिल। हे मित्र अधूरा नाम, और आपने भारत की भूमि पर खड़े होकर के जहां ऋषभ देव से लेकर वर्धमान तक, कुंद कुंद भद्रवाहु स्वामी से शांति सागर आदि, विमल सागर महावीर कृति से महान आचार्यों ने जन्म लिया हो, उस भूमि पर खड़े होकर के अपने आंगलियों का प्रचार किया है, भगवान की महावीर की वाणी का कहां प्रचार किया? कोष्टक में क्या डीए? कोष्टक में भले लिख लेना लेकिन आज से नाम लिखना देवगुणा। मित्र विश्वास मानिए, मुझे वो नहीं दिखाना है मैं पढ़ा लिखा हूं। मित्र तुम पढ़े लिखे तभी कहलाओगे जब तुम लिखोगे उस पर देवगुणा जैन पाटिल, तो संख्या गिनी जाएगी जैनियों की। वो पाटिल ही मात लिख दिया, आज भारत की भूमि में सर्वाधिक जैनी के निवास करते तो महाराष्ट्र में करते हैं, और यदि महाराष्ट्र के संपूर्ण श्रावक अपने उपनाम के उपजाति के सामने जैन लिखना प्रारंभ कर दें तो आज आप लाखों में नहीं हो, आज के दिन भी आप करोड़ों में हो भारत में। अब क्या कर सकते हैं, चांदनी वाली जजमेंट नहीं कर रहा सही,
आज तक वो लिख ही नहीं पाए बेचारा कैलाश चंद जी जैन चांदलीवाल। या तो बेनाम के हो जाओ, या तो बेनाम के हो जाओ, सिद्ध भगवान बन जाओ। तीर्थंकर तक को अपना नाम घोषित करना पड़ा है मित्र। 24 तीर्थंकर हैं, ऋषभ अजित से लेकर प्रारंभ करते ना। पाटिल जी कौन भगा रहा आपको यहां से? मित्र आज से क्या लिखोगे आप? देवगोड़ा जैन पाटिल। बहुत बढ़िया, देखा एक ही दिन में ठीक हो गया भाई। बसा अब समझिए, शब्द मंत्र होता है, शब्द मंत्र होता है। और जब शब्द मंत्र होता है, आप प्राकृत संस्कृत भारतीय भाषाओं पर दृष्टिपात करो, उनके उच्चारण में अंतरंग अलग से झलकता विशुद्ध। जितनी शब्द प्राकृत भाषा में है उतने शब्द किसी भाषा में नहीं। जितना शब्दकोश का भंडार प्राकृत में है किसी भाषा में नहीं। इसलिए हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने जो दिव्य देशना दी है उसकी भाषा चुनी है प्राकृत, जो प्रकृति की भाषा है। अब पाटिल जी को यूं कहे कि जैन धर्म किसी की शाखा है, जिसकी भाषा प्रकृति की है, जिसकी मुद्रा प्रकृति की है। मित्र विश्व को निहारिए और आपको कहना होगा कि पर्वत नग्न हैं तो नदियां नग्न हैं, समुद्र नग्न हैं तो पर्वत नदियां समुद्र नहीं, पूरा जंगल पृथ्वी आकाश निर्वस्त्र है। जब से ये है तब इसे दिगंबर निर्वस्त्र है। इसलिए आज के श्रावक श्रावकों को जो आपने पाठशाला की बात की है, उन पाठशालाओं में सबसे पहले ये सिखाना है कि ये जो स्टैचू रखा है इस आदमी से मिलना, इस आदमी से मिलना। 16 16 32 32 उपास किसके पीछे किए है मित्र? जिन्होंने बंबई हाई कोर्ट से निर्णय करा दिया था भारत में जिन धर्म किसी की शाखा नहीं, स्वतंत्र धर्म है। अच्छा, शांति सागर से मिलिया। इसलिए वर्तमान के जितने त्यागी व्रति निर्गंत मुनिराज से वे किसी की प्रशंसा में इतने बह जाए कि अपने धर्म को ही दूर कर दें। एक जगह पाटिल जी में गया, मुझे बुलाया गया सर्वधर्म सम्मेलन में, और एक सज्जन ने हमसे कहा, वो जैन थे, कि महाराज जी आपके लिए चलना अनिवार्य है, लेकिन आपको महावीर स्वामी के जैन नहीं बोलना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मैं आपके सम्मेलन में जाने में अकिंचित कर रहा हूं, असमर्थ है। बोले क्यों? जब मैं महावीर की मुद्रा में बैठा हूं उसे तुम बुला रहे हो, वो महावीर की जैनी होगी, ऐसा हो नहीं सकता है। आप पहले अपनी कमेटी से बात करके आइए। मतलब हम भगवान महावीर स्वामी के जय बोलने से डर रहे थे। वो घबरा गया बेचारा, बोले गुरुजी चलो चलो चलो। अब मेरा प्रवचन तो अंत में था, सबसे पहले अन्य वक्ताओं ने व्याख्यान किया, चाहे वो वैदिक हो अवैदिक हो, उन सब ने भगवान महावीर की जय बोली। मैंने कहा मित्र जिनके अनेकांत स्यादबाद के नाम पर विश्व विख्यात है भारत भूमि, उन तीर्थंकर वर्धमान का तुम नाम भूल करके किसकी तुम प्रभावना करने आए हो? वो मालूम जब प्रवचन के बाद सबके चेहरे खिले मिले, बोले गुरुजी हम बहुत बड़ी भूल में थे,
मित्र कितनी बड़ी गोष्ठियाँ हो, कितनी बड़ी गोष्ठियाँ हो, दादा के सामने दादा का सम्मान तो करना पड़ेगा, लेकिन स्कूल में नाम दादा का नहीं लिखा जाएगा, पिताजी का ही लिखा जाएगा। किसका नाम लिखोगे आप, किसके पुत्र कहलाओगे? पिता के पुत्र होंगे। हम तीर्थंकर ऋषभदेव का सम्मान करते हैं, शिव मंदिर स्वामी की आराधना करते हैं, लेकिन जब इस युग में जिनके शासन में बैठे हैं वे तीर्थंकर महावीर स्वामी ही कहलाएंगे। सारे छात्रों के अंदर इस बात को भरना है संपूर्ण पाठशालाओं में। वर्तमान में दो दृष्टियां रखना है, देवगुणा जी है मित्र, बच्चे बच्चे के अंदर पुनर्भव पर श्रद्धान खड़ा कराइए, तभी विशुद्ध सागर, तभी शांति सागर, तभी कुंत सागर की पहचान करा पाएंगे आप, तभी तीर्थंकर ऋषभदेव से महावीर तक श्री राम की कृष्ण की पहचान तभी करा पाएंगे जब बच्चों के अंदर श्रद्धा करा दो आप पुनर्भव की। यदि पुनर्भव का श्रद्धा नहीं है तो मंदिरों की उपासना किसके लिए? कैलाश भैया बराबर, उपासना किसके लिए? मंदिर क्यों, स्टैच्यू क्यों खड़ा किए, मुझे क्यों यहां बिठा लिया आपने? यदि देवगुणों का बेटा यूं कहता है, पिताजी किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नर्क, ये क्यों तुम घूम रहे गर्मियों में धर्म के नाम पर, तब देवगुणों को अपना सिर पटकना पड़ेगा यूं हाथ रख करके, ओहो मुझे नहीं था मालूम कि हम जिस कुल में जन्मे जिसमें भगवान का अभिषेक होता है, निर्गंतों को दान दिए जाते हैं, जिनवाणी का स्वाध्य होता है, उस कुल में चारवाकी कहां से जन्म ले लिए? जिसका बेटा यूं कहे किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, सबसे पहले मंदिर में भेजने के पहले मां बच्चे को जन्म घुटी पिलाते ना, अन्य प्राशादनी क्रिया कराते हैं, कान में नमोकार मंत्र सुनाते हैं, उस नमोकार मंत्र के साथ ये सुनाना चाहिए साथ में, बेटे यह भव तुम्हारा उज्जवल हुआ है, अगला भव भी उज्जवल हो, ऐसा कह के नमोकार सुनाना। मेरे घर में तुम आए हो इसलिए तुम मान नहीं हो, हे लाल मेरे घर में जन्मे इसलिए महान नहीं हो, सिद्धों की श्रेणी में पहुंच जाओ इसलिए तुम महान हो। पुनर्भव, जिसने ये सीख लिया हो शरीर ठंडा हो गया, मृत्यु हो गई, जब तक शरीर में गर्मी थी तब तक जीवन था, पाटिली बराबर बराबर, जब तक शरीर में गर्मी थी तब तक जीवन है, शरीर ठंडा हो गया तो मृत्यु हो गई। प्रश्न है पाटिल जी गर्म था क्यों? गर्म था क्यों चांदीवाल जी, जैसा गर्म था क्यों? शरीर गर्म है, वर्तमान का डॉक्टर, वर्तमान का विज्ञान ये कह रहे हैं शरीर गर्म है इसलिए जीवन है। बिमल जी शरीर गर्म है क्यों? जब तक ये प्रश्न नहीं होगा तब तक युवा पीढ़ी ये कहती है पाटिल जी देवगुणा जी बोले धर्म तो मात्र परंपरा में चला आ रहा है, इनको बोध होना चाहिए धर्म वो परंपरा नहीं है जो अज्ञानियों की परंपरा हो, जिन शासन है जब विज्ञान तुम्हारा मोल लेगा तब बीताग विज्ञान मुखर होता है। धर्म अज्ञान नहीं है, शरीर गर्म था क्यों? गर्मी कौन दे रहा था? जिससे शरीर गर्म था
वही है आत्मा। जिससे शरीर गर्म हो रहा था वही है आत्मा। आत्मा की सिद्धि कीजिए, वो आत्मा की सिद्धि करें उपरांत पुनर्भव होता है। बालक कर्नाटक खड़ा हो जा बेटा। पिताजी के पास पैसा है कि नहीं है? पिताजी वस्त्र देते कि नहीं? भोजन तेरे पास सुख है कि नहीं बेटा? सुख है? सुख नहीं है? पास में और आ जाओ, अभी सुख मिलता तुमको। अब सुनो वहीं से बेटा, सुख है नहीं है सुख? अच्छा देखो पाटिल जी, ये भी 2 मिनट के अंदर कहता सुख है। बालक सुख है? चलिए कोई बात नहीं। मित्र, एक कसाई छुरी से मुर्गी के गले पर चला रहा छुरी को, वो सुखी है कि दुखी है? वो मुर्गी दुखी है क्या? तेरे गले पर छुरी आ रही है क्या? बोल तू सुखी है कि दुखी है? सुखी है। अच्छा मित्र देख, कपड़े अच्छे तेरे पास? अच्छे। अच्छा वो बम्बई वाला लड़के का आया है, गोरा गोरा सब बैठा, वो देखो सामने भाई, खड़ा हो ना। मित्र ये कपड़े तुम्हारे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, उसके उसके अच्छे लग रहे हैं। तुम सुखी हो? नहीं हो। क्यों? उसे कपड़े दिख गए तुमको? बस बेटा परेशानी इसी बात की है, अभी जब तक मैंने उसको खड़ा नहीं किया तब तक तुम सुखी थे। दुनिया दूसरे को देख करके दुखी ज्यादा है, अपने दुख में दुखी नहीं है। मित्र तू सुखी है? अच्छा उसके कपड़े देखो अच्छे लग रहे हैं? यानी समझ, आपके कपड़े धोने के लिए ज्यादा साबुन लगेगा उसके लिए? बहुत बढ़िया। तुम्हारे कपड़े जल्दी सूखेंगे उनके? तेरे सूखेंगे ना। अब बोलो, ठंडी का मौसम हो वो बारिश हो जाए, अब बताओ कौन पहले सुखी होगा? अरे मैं सोचता था कि महाराष्ट्र में कोई मेरी बात नहीं समझ पाया, तो सभी ताली बजा रहे हैं। कौन सुखी बेटा? तुम सुखी हो? अच्छा बताइए, आप भी चल रहे थे मेरे साथ, वो भी चल रहा था मेरे साथ, ठीक है ना? और भट्टारे भी चल रहे थे, अब बारिश हो गई, किसके कपड़े जल्दी सूखेंगे? भट्टारक जी तो सूखे कौन है? चुल्लक जी। चिंता मत कर बेटा, अब सुन, आप भी मेरे साथ थे, वो भी मेरे साथ था, ये बाल भट्टारक जी मेरे साथ चल रहे थे और मैं भी चल रहा था, पानी गिर गया, बता पहले किसके कपड़े कौन सूखेगा? सुखी कौन? समझ, सुखी मैं ही हूं, तुम नहीं हो। जितना परिग्रह से दूर होगा उतना सुखी होगा, और जितना परिग्रह में लिप्त होगा उतना दुखी होगा। अब बोल बेटा तू सुखी है कि नहीं? सुखी हो ना? आज से मत कह मैं दुखी हूं। नारकियों के अपेक्षा तुम सुखी हो कि नहीं? पशुओं के अपेक्षा सुखी हो कि नहीं? गरीबों के पैसे सुखी हो कि नहीं? दुनिया में दुख उनके पास है जो पर की वस्तु को चाहते हैं, जो अपनी वस्तु में डूबा तो कभी दुख होता ही नहीं। तुतकोड़ी क्या हुआ? वो जाके बैठ गया शांति से। अब सुनिए ध्यान से, बेचारे को पसीना आ गया। पुनर्भव, यदि धर्म उपदेष्टाओं ने
पुनर्भव की व्याख्या नहीं की तो विश्वास मानना, कितनी विशाल मंदिर स्थापित कर दो, विशाल तीर्थ बना लीजिए, कितनी दीक्षाएं हो जाएं, विमल पुनर्भव पर विश्वास नहीं है तो इनका कोई भी प्रयोजन नहीं है। मंदिर क्यों जा रहे हो? वर्तमान में तुम्हारे सब कुछ है तुम्हारे पास। जो आज मुझे सुख मिला है आगे भी मिलता रहे, भविष्य में भी मिलता रहे, ये दृष्टि तुम्हारी है मित्र, तो मंदिरों की स्थापना करना श्रेष्ठकर है। इसलिए यदि आज यहाँ पर चंदपुर जिनालय न होता तो समाज यहाँ कैसे होती? और यदि ये कोई सोचता है, बोले व्यक्ति ये सोचे मंदिर पर मंदिर क्यों बना रहे हो, मित्र पापों पर पाप कर रहा व्यक्ति उसके बारे में नहीं सोच रहा है। जितने स्थानों पर मंदिर स्थापित हो जाएगा, तीर्थ स्थापित हो जाएंगे, उतने स्थान पर किसी जीव की हत्या तो नहीं होगी। और एक मंदिर से लाखों जीवों का पेट भरता है। जो व्यक्ति मंदिर में सेवा कर रहा है उसे वेतन मिल रहा कि नहीं मिल रहा? और मंदिर आकर के बज्ज कुमार जी, एक क्षण को तुम्हारे प्रणाम ऐसे हो गए, आज मैं पांचों पापों का त्याग करता हूं, उतने समय तक बालक कन्नड़ गुटखा खाता क्या? बंबई गुटखा खाता क्या? दोनों खड़े हो जाओ, जब खाती नहीं तो त्याग कर दो आज से गुटखा खाने का त्याग पक्का। अच्छा बताओ बेटा, एक गुटखा कितने रुपए में आता है? हैं? कितने में आता है? 10 रुपए का आता है। अच्छा बेटा, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन है, ठीक है ना? और यदि आपने एक महीने गुटखा का त्याग कर दिया तो कितने रुपए बच गए? बचे ना? और यदि एक बालक की आयु 100 वर्ष की है, ठीक है, और 100 वर्ष जीने वाला है, उसने गुटखा त्याग कर दिया तो पाटिल जी कितना द्रव बचेगा? देवगुणा जी, देश के कर्णधारों से कह देना, साधु संतों को व्यर्थ मत मानिए, इन्होंने तुम्हारे देश में एक भी बच्चे को गुटखे का त्याग करा दिया, उसने अपने जीवन में करोड़ों रुपए बच गए हैं, ये आप क्यों नहीं कहते हो कि त्यागियों ने इतना द्रव तुम्हारा बचा दिया? तो जितने अपने आप को जैन मानते सब बच्चे खड़े हो जाओ। इस सभा में कितने बालक बैठे हैं? सभी बच्चे खड़े हो जाओ बेटा, बहुत बढ़िया। देखा युवाओं, जितने अपने आप को मनुष्य मानते हुए सब खड़े हो जाओ। ओहो, ये भेद मत करो कि मैं यूपी को कि महाराष्ट्र का कि कर्नाटक का हूं। जब तक जैसा आपके मस्तिष्क में ये चलता रहेगा, मैं महाराष्ट्री हूं, मैं यूपी हूं, मैं मध्य प्रदेश हूं, मैं कर्नाटक हूं, राज महाराष्ट्रियन, मैं राजस्थानी हूं, तब तक जैन धर्म की प्रभावना नहीं कर पाओगे। अपने घर में तुम सब बन के रहो, और जब मंदिर आओ, हम मात भगवान अरहंत के भक्त हैं। बालको, इन दो बच्चों ने गुटके का त्याग कर दिया है, इन लोगों ने अच्छा किया कि बुरा किया? सांगा सांगा, चांगला फार चांगला। तो मित्र, जब इन लोगों ने अच्छा किया है वो तुम भी कर सकते कि नहीं? आज से कितने लोग विचार के भगवान मुनि सुब्रत ना स्वामी की प्रतिष्ठा के समय अपनी आत्मा की प्रतिष्ठा कर ले, आज से गुटखा नहीं खाएंगे, हाथ ऊपर करना। देखो पाटिल जी, ये हुआ पंचकण, बहुत बढ़िया। बसा नोबान नमोकार पढ़ लो सब लोग, नमोकार मना नमोकार मना। ओहो, माताएं तो खाती नहीं है, कोई नहीं खाती ना,
ठीक त्याग कर दो, नौ बार नमोकार पढ़ लो सब लोग। अब सुनिए, ये पंचकन्या जिनका हो चुका उनका कल्याण थोड़ी करना है, उन जैसा मेरा कल्याण हो जाए। इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया, बेटा एक एक त्याग करने से तुम भगवान बन जाओगे। पाटिल जी उन दोनों बच्चों को पीठ ठोक देना अपनी तरफ से और दक्षिण महासभा की तरफ से, और यूं कहना आज मालूम है दो ही खड़े क्यों किए, एक शुद्ध दक्षिण का कर्नाटक से आया, वो शुद्ध उत्तर का है दिल्ली से के पास से आया है, जिसको मैं बम्बई का कह रहा हूँ, बम्बई का नहीं दिल्ली से आया, बड़ोस से हो गए ना दोनों, उत्तर और दक्षिण दोनों बेटों की पीठ ठोकना और कहना बेटा देश बड़ा है, उत्तर मात्र से हम धर्म नहीं बचा पाएंगे, दक्षिण मात्र से धर्म नहीं बचाएंगे, जब दोनों मिल जाएंगे तभी धर्म बचेगा। अच्छा लग रहा है क्या सुष्टु चाना है चांगला? सुनिए, यदि अच्छा लग रहा है भविष्य में मेरे लिए क्या मिलेगा ये बाद में सोचना, यहाँ बैठ करके जस शाम आप बड़े बड़े कार्यक्रम देखने पहुँचे, प्रथम दिन पंचकणा का आज प्रथम दिन, वो आज के दिन ही जब यहाँ पर मंडप बन रहा था तो रास्ते मेरे पास समाचार पहुँच गए थे भोला के द्वारा, बोले जब मंडप बन रहा था तो लोग कह रहे थे इतना बड़ा क्यों बना रहे हो, कोई नहीं आया तो, पर आज ही देख लो निहारो सुब्रत सागर, पीछे तक देखो प्रथम दिन है, इनको मालूम होना चाहिए जब घर में मामा आ जाएं तो लोग इतना अच्छा लगता है, फिर जिन घर में महात्मा आ जाएं और परमात्मा आने वाले हो वो कैसे हो सकता है। पुनर्भव, पुनर्भव को मानता है वही समय सार को जानता है, पुनर्भव को मानता है वही दैत धवल धवल महाबंद को जानता है, जिस पर पुनर्भव का पर विश्वास नहीं है उसको भारतीय संस्कृति पर ही विश्वास नहीं है। इसलिए आइए पुनर्भव को जानते हुए अब निर्णय करो विमल जी, इस बात का मित्र आचर कुंतु सारे चरणों में आप बैठे हो, विमल तुमको मालूम है हम तुमको बहुत छोटे से जानते हैं, याद है जब मैं छुल्लक बन के आया तब भी तुम थे मित्र, क्या आचार्य विद्यासागर महाराज जी जब पथरिया में थे तब वहां तुम घूम रहे थे, याद करो। मैं सोच रहा था ये भाई कब मुड़िराज बनेगा, मित्र देह की विषमता हो तो ऐसे ही रहना, भावों की विषमता हो तो ऐसे ही रहना, और विषमता न हो तो ऐसे कभी मत रहना। और विमल एक अंदर की बात यह है, एक समय को मैं महावीर का भक्त हूँ, ऋषभ देव का भक्त हूँ, कुंद कुंद शांति सागर जितने देश में आचार हुए सबका भक्त हूँ, अपने गुरु का भक्त हूँ, तीन कम नौ कोटि मुनियों का भक्त हूँ, मात्र भक्ति के काल में भक्त हूँ। पाटिल जी ध्यान से सुनना, आपसे भी मैं कह रहा हूँ, जो मेरी अंतिम सांस निकले तो प्रभु मेरे सामने न आप हो न गुरु हो मात्र मैं ही,
मेरे सामने यदि मेरे गुरु रहे, सामने प्रभु रहे, तो मात्र मैं स्वर्ग जा पाऊंगा। ना गुरु होंगे ना प्रभु होंगे, मात्र मैं ही होऊंगा तो मैं भगवान बनूंगा। भगवान बनूंगा। गौतम, गौतम भगवान महावीर स्वामी से कहते हैं, प्रभु मुझे कैवल्य क्यों नहीं हो रहा है? हे गौतम, अभी तुमको महावीर से राग है। महावीर का निर्वाण हुआ सुबह, शाम को गौतम स्वामी को कैवल्य ज्ञान हो गया। प्रभु का राग भी भगवान नहीं बना सकता है, तो जगत का राग भगवान कहां से बनाएगा? ये वो संस्कृति है जब भगवान की भक्ति करने के लिए तो कहा जाता है, पर भगवान का दास बनाने के लिए नहीं कहा जाता। ज्ञानियो जैनियो, तुम प्रभु के भक्त बन के ही जीना, दास बन के ही नहीं जीना। ये दास प्रथा नहीं है, ये सागर बनाने वाली प्रथा है। हम दास नहीं है भगवान के, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, दास नहीं है। वो दिन कब आए? और खुशी इस बात की मुझे है, कैलाश भैया ये सभी मुमुक्षु जीव महाराष्ट्र में और हेरले जैसे नगर में समय सा सुन रहे हो, समय सा समझ रहे हैं, इसलिए आप विश्वास मानिए। पाटिल जी, मित्र देवगुड़ा जी, फैनी बना लेते हो, फैनी बना लेते हो, अच्छा कोई बात नहीं, इमरती बना लेते हो, भाकरी बना लेते हो, भाकरी बना लेते हो, नहीं बनाना जानते सही में? पूरनपुली महाराष्ट्र की बहुत सुंदर मिठाई पूरनपुली बना लेते आप? हैं? पूछो पूछो भाई पूछो, समय नहीं मेरे पास, बहुत समय हो गया। बोला क्या बोल रहे भैया, बना लेते हैं? नहीं बना पाते। अच्छा, इन माताओं से पूछो, माँ पूरनपुली बना लेते हो? अच्छा पाटिल जी, अपनी सासू की बेटी से पूछो, समझ गए? वो सासू की बेटी पूरनपुरी बना लेती क्या? है? पूछ लो मित्र, क्या जाता अपना, बना लेती है, आप खा लेते हो? हो देखा, वो बनाना नहीं जानता भाई, लेकिन खाना जानती हो ना। तो जैसे विश्वास मानिए, वो सुंदर पूरनपुरी बना के आपको खिलाए तो क्या फेंक दोगे? स्वीकार करोगे ना, स्वाद लोगे ना? कैलाश भैया, परोसने वाले पर हैं, बनाना नहीं जानता भाई पाटिल, पर खाना जानता है। ऐसे मेरे देश का प्रत्येक श्रावक श्रावका है, समय सार में जीना जाने न जाने, समय सार कहना जाने न जाने, पर समय सार सुनना सब जाने। सब जानते आत्मा स्वभावम, बोलना आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, बोलना जरा आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, जोर से बोलिए, मना मना संपूर्ण सभा बोलो एक साथ, सभी माता बोलो, भाई लोग बोलो, आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम। आनंद आ गया, एक सुर में बोलो, आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम। बोलते जाइए, देखो भट्टारक जी, जिनसेन जी,
मैं नहीं जानता इसमें सब बदल जाएंगे। आत्म स्वभावम, भगवान के पास जाना, दर्शन करना, पूजन करना, ठीक है, पंच परमेष्टि की भक्ति करना, लेकिन प्रभु से कहना, हे नाथ मैं प्रश्न करता हूँ आपसे, आप भगवान कैसे बने? भगवान के पास जाना और धीरे से प्रश्न करना, हे नाथ आप भगवान कैसे बने? बालक कर्नाटक, देख बेटा वो बेंच पर केला रखे हुए, उठा के देख, देखो पाटिल जी अभी कुछ होने वाला है, उठा लिया, उसमें से एक निकाल के देखो जरा, मित्र जल्दी कर, सुनो सीधा खाओगे तो हाथ में ले लो, स्वाद आ रहा है नहीं आ रहा है? स्वाद लेना चाहो तो क्या करोगे हैं? ऐसे ही, अरे ऐसा तो बंदर भी नहीं खाता बेटा, मैंने शिखर जी में देखा भी तो बड़े सुंदर चाव से खोल खोल खाते। अब बोल बेटा तू इसका स्वाद चखे तो कैसे चखेगा हैं? क्या करोगे, खुल के दिखा दे, तू चिंता मत करना, ये पाटिल कुछ नहीं बोले, तू तो खा के दिखा दे, अब देखना, खोल दिया, हाँ हाँ अब इधर हो जाओ, इधर आओ सामने, इनको मालूम होना चाहिए केला चांदीवाल जी को, ओहो देख बेटा बक्कल था ना छिलका तो कैसा दिख रहा था, वो बक्कल हटते ही कैसा दिखने लग गया सफेद, हाँ हाँ जब तक कर्मों का बक्कल है, परिग्रह का बक्कल है, तब तक तुम सफेद नहीं दिखते हो, ओ जैसे अब बेटा खा के देख, ओहो चिंता मत कर तू खा ले, नहीं खाएगा, ओहो अच्छा सुन, स्वाद कब आएगा, जब निकाल दिया तभी स्वाद आएगा ना, छिक्कल हटाया बक्कल हटाया तभी तो केले के सफेद निकला ना, ऐसे कह देना ज्ञानी मुक्चु न्यायाधीश जी जसाब, जब तक छिक्कल नहीं हटेगा राग देश मोह का, तब तक शुद्धात्मा का आनंद नहीं आ सकता है, केले से पूछो। ले जा, आत्म स्वभावम, इसलिए प्रभु से कहना, प्रभु आप भगवान कैसे बने? तो भगवान धीरे से कहेंगे, बेटा मेरी भक्ति करोगे सुपोग में रहोगे, नरक पशुगति से बच जाओगे, लेकिन मेरे जैसे बनना है तो आपको जगत से प्रभाव भिन्नत्व का भेदन करना ही पड़ेगा। इसलिए पाटिल जी अपने विश्वस्तों के साथ जैसे आचार्य महाराज की भक्ति कर रहे थे, ऐसे मित्र आज से 10 मिनट बैठ करके जिनवाणी खोल के पढ़ भी लिया करो, स्वाध्याय करते रहे, जैसे बच्चों को पाठशाला पढ़ा रहे हो, इतने ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं। आचार्य शांति सागर ने फलटन में ताम्रपत्र पर षटखंडा का उत्तीर्ण कराया, मालूम है आपको? तो मित्र पूरे देश में बहुत ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं। शोलापुर से जब विदिशा के सेठ गजरथ चलवा रहे थे मध्य प्रदेश में, तो सुनिए एक सेताम्बर श्रावक थे, उन्होंने सलाह दिए कि गजरथ महोत्सव आप करा रहे अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान रथ चला दीजिए ना, उसमें सिद्धांत मूल बद्री में लोग टिकट लेके दर्शन करने जाते थे, माताओं आपके पास बुद्धि है, पाटिल जी उस विद्वान से मिलिए जो अनुवाद कर रहा था, और एक पृष्ठ का एक सिक्का मिलता हो। बोला पंडित जी शांत बैठे, अनुवाद नहीं हो पा रहा है। धर्म पत्नी ने पूछा, क्या बात है आज काम क्यों नहीं कर रहे हो? बोले शब्द कोश नहीं है, अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। ओ माँ माँ
अतिमब्बे कर्नाटक में हुई है, उसने कितने ग्रंथ प्रकाशित कराए। वो पंडित की पत्नी, धर्म पत्नी, पंडित हीरालाल शास्त्री शाडुमल सुब्रसाही, उनकी धर्म पत्नी ने अपने शरीर गले का मंगल सूत्र चूड़ियां उतार के पकड़ा दी। बोले ये बेच करके आप कोस लेके आओ, पर जिनवाणी की सेवा में कमी मत करो। और अति मब्बे ने शांति पुराण लिखवाया, कभी रन कभी पंप, मालूम इन कवियों को अपने आश्रय दिया। और जितना उसका भजन था उतना भजन प्रमाण सोना दिया। किसके लिए? शांति पुराण लिखवाने के लिए, उस कवि के लिए दिया। इसलिए पाटिल जी, मात्र आप दक्षिण भारत में ही मात मत बैठे रहो। यदि शांति चुनौती में, कहता हूं शांति सखर महाराज जी दक्षिण भारत में ही रुके रहते, आज कोई उनको नहीं पहचान पाता। जब तक उत्तर में नहीं गए, आचार्य विद्यासागर से मिलो मित्र, दक्षिण से उत्तर में गए, ऐसा व्यापार चला कि लौट के ही नहीं आए। गए ना, यहाँ की तुम खेतों में देखो, लाल काली मिट्टी है, और बुंदेलखंड के खेतों में लाल मिट्टी है। उन्होंने अपने जीवन में, आचार्य विद्यासागर ने एक दृश्य देखा, दीक्षा के बाद जब उत्तर भारत से बिहार करते हुए मध्य भारत में आए, वहाँ पर एक माँ कुएं से पानी निकाल रही थी, वो पानी छान करके बेलछानी को कुएं में डाल रही थी। आचार्य महाराज को समझ में आ गया, जिस प्रांत में इतने विवेक से जीवों की रक्षा की जाती है वहीं धर्म चलेगा। इसलिए आपको जो बात, सारे विकल्प छोड़ करके और आज से ये कहना प्रारंभ करो, जिन शासन को जीवित रखना है तो मित्र जगत के विकल्पों से सुन होकर के मां तुम्हारी पहचान हो नमो कार मंत्र से, हमारी पहचान हो पांच अनुव्रतों से, अष्ट मूल गुणों से और महाव्रतों से। पहचान न हो हमारी इस बात से कि कौन से संघ के हैं, कौन से ग्रुप के हैं, ये ग्रुप नष्ट हो जाएंगे। जिन शासन शाश्वत था, शाश्वत है, वो शाश्वत ही रहेगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, कल फिर आओगे, यदि पर्याय रही तो पुनः चर्चा करूंगा। पर आज सबका नियम है, चिंता में मैं कुछ भी नहीं सुना रहा। नियम ये है, जिस फोन की डिबिया फोन लिए रहते ना, ईमानदार से बोलना कितना सत्य बोलते हो। पाटिल जी, एक युवा मेरे साथ बिहार कर रहा, उसका फोन आ गया, वो कहता मैं दिल्ली हूं। मैंने कहा भाई तू मेरे साथ चल रहा, दिल्ली कैसे है? बोले गुरुजी तो क्या करूं। अब सोचिए आप लोग, फोन जब से तुम्हारे हाथ में आया है तुम्हारा झूठ बोलना कितना बढ़ चुका है। ईमानदारी से बोलो जस साहब, ईमानदारी से बोलना, जब से फोन हाथ में आया है, एक सज्जन मालूम छत पर घूम रहे थे, उनका मिलने वाला आया, कुछ लेना था उनसे, उसने नीचे से फोन किया, वो बाबूजी क्या बोलते हैं मैं बाहर हूँ, वो उसने नीचे से देख लिया, बोले बाहर सर जरूर है लेकिन छत पे घूम रहा, नीचे आ जाओ। जिस मोबाइल की डिबिया से तुम झूठ बोलना सीख गए हो, उस डिबिया का आज सदमक उपयोग कर लेना। जितने दक्षिण भारत के श्रावक श्रावक तुम्हारे परिचित हों, उन सबको फोन कर देना। बोले क्या? आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, बोल दोगे इतना? वो पूछेगा मतलब क्या, तो कह देना भाई समझ, आत्मा का स्वभाव प्रभावों से अत्यंत भिन्न है, ये कोई भी काम में आने वाले नहीं है, एक माँ निज की विशुद्ध प्रणति ही काम में आएगी, बाकी सब यहीं धरे रह जाएंगे। जाओ कल आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है? आज इतने समझ लेना, और घर घर में चर्चा करना है, कितने बगले तुम्हारे साथ जाएंगे, कितने भवन तुम्हारे साथ जाएंगे, और तुम्हारे रहने वाले कितने साथ जाएंगे, कोई भी साथ जाने वाला नहीं। विश्वास आचार्य महाराज की भी मालूम।
बड़ी बेटी सुन रही होगी, बोले ओ ये सत्य है, ये सत्य है, कोई साथ जाने वाला नहीं। देवनाथ जी कितने को लेके जा रहे हैं? अच्छा आप एक काम करो, आज अपने बेटे की माँ से बोलना, बोले देवी जब मैं जाऊंगा ना तो तुझे साथ ले चलूंगा। मित्र वो कह देगी परमेश्वर है तुम जाओ लेकिन अभी मेरे जाने का समय नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति किसी के साथ जाने को तैयार नहीं है, जब जानियार है ही नहीं है तो मैं जगत को अपना मानू स्वाधीन आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम स्वभावम परिभाव भिन्न आत्मक स्वभाव परवाज अत्यंत भिन्न गीर सोमी की जय हो। जीवल चर्या श्रमणी आचार्य भगवान।